नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लव कंपैटिबिलिटी फ्रॉम योर पाम। अगर आपके हाथ में मैरिज की लाइंस है तो ये बताता है कि आपका दूसरे व्यक्ति से जो कनेक्शन होगा बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, तो ये होना चाहिए। अगर आपके हाथ में मैरिज की लाइंस नहीं है तो इसका मतलब होता है कि मटेरियल वैल्यू ज़्यादा होगा, सेल्फिशनेस हो सकती है, एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करने की सोचता होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद द पार्टनर, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आपके हाथ में सिर्फ एक ही मैरिज की लाइन्स है तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति का बहुत ही खुशहाल फैमिली चाइल्ड और एक बहुत ही कंफर्टेबल होम होता है। ऐसे व्यक्ति की एक ही शादी होती है और ट्रू लव होता है, यानी कि लव मैरिज होता है। वहीं आपके राइट हैंड में अगर लंबी सी अगर कोई एक लव लाइन्स है, मैरिज लाइन है, तो इसका मतलब होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, आप बहुत ही केयरिंग पर्सन होंगे और बहुत ही फैमिली को ज़्यादा टाइम देने वाले होते हैं। अगर आपके हाथ में यही 3 से 4 रेखाएं होती हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति क्विकली लव में गिर जाता है, इमोशनल पेन बहुत होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मेल और फीमेल दोनों में सिर्फ एक ही रेखाएं हैं दोनों में, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा पर्सन आइडियल होता है और ऐसे पेरेंट्स को इनफर्टिलिटी की शिकायत भी नहीं होती है। वहीं अगर मेल में सिर्फ एक रेखा हो और फीमेल में ये लाइन 2 हो, तो जो मेल होता है उसकी तो ये पहली शादी होती है, पर उसकी जो पार्टनर होती है फीमेल, तो उसका ये दूसरा लव मैरिज होता है। अगर पति पत्नी के दोनों में से किसी के भी लेफ्ट हैंड में बहुत ही छोटी सी लव की लाइंस है, तो पर्सन एरोगेंट देखने को मिलता है, सेल्फिश होता है और उसके लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फैमिली के लिए। वहीं लव के लाइंस में अगर आपका आइलैंड या पॉइंट बना हुआ है दोनों में से किसी के भी हाथ में, तो ये बताता है कि आप लॉन्ली ज़्यादा फील करोगे मैरिज के बाद भी, और फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, लॉन्लीनेस, यही सब आपको मेंटल इश्यूज देखने को मिल सकती है।